हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जो कि बहुत बहुत आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग कई दिनों से मुझे कह रहे थे बुक बुक के बारे में थोड़ा हम लोग को नॉलेज दीजिए, कौन सा बुक अच्छे है और कैसे हम लोग प्रिपरेशन ले सकते हैं। तो आप अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अब अगर कंप्लीट कर चुके हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है अगर, तो आपके पास कुछ जो बुक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, वो रहना चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम और अब अगर आपका नॉलेज अगर आपको गेन करना है। तो पहले जो बुक है वो क्या है, मेडिजी का जो एक हैंडबुक आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो है ए हैंडबुक ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये जो है बहुत अच्छी तरह से आपको देखना चाहिए। मगर ये पहले आपको कुछ नॉलेज रहना चाहिए, इसका मतलब आप अगर कोई सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हैं तो पहले वो सब्जेक्ट का बुक आप पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आइए। और ये जो है बहुत एक ब्रीफ में नहीं दिया है, शॉर्ट में दिया है, मत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बुक आप ज़रूर खरीदें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक दे चुका हूँ आप जाके। और ज़्यादा प्राइस नहीं है इस बुक का, ठीक है, 200 और 250 ऐसा है, तो जाके खरीदिएगा और ये बुक आपको अच्छी नॉलेज देगा। तो उसके बाद जो आता है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव जो बुक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बहुत अच्छा है। मतलब मैं जितने भी बुक देखा हूँ इससे अच्छा मैं बुक नहीं दिया हूँ। डी एस कुमार का बुक है ये अगर आप सॉल्व करने जाते हैं और इससे आप नॉलेज गेन करते हैं तो आपका कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगा, हर एक एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं भी इसी का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक बुक का जो है लिंक मिल जाएगा, आप जाके परचेस कर सकते हैं। तो ये बुक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बुक तो आपको 100% लेना ही चाहिए। और ये आपको हर एक जो कन्फ्यूजिंग है और हर एक जो आपका जो जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इस बुक में अगर आप सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन तो सब आपका क्लियर हो जाएगा। जो आप सब देखते हैं कि जीके एक प्रॉब्लम है हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो मैं जीके यहाँ पर जो आर्यन का जो मनोहर पांडे का जो किताब है वो मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि जीके आप जितना भी पढ़ ले उतना मतलब एक जो है वो सी की तरह है। ठीक है, आप जितना भी पढ़ ले वो आप नॉलेज गेन उतना नहीं कर सकते, तो ठीक है, तो इसलिए मैं आर्यन का जो जनरल नॉलेज है जो मनोहर पांडे की तरफ से आता है वो आप ले लीजिए, 2019 का आ गया है। तो ये 30 rupees है और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन में 25 और 22-23 में मिल जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लेना, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और कुछ आप मतलब 60-70% जो है जीके यही से आ जाएगा आपका। और एक मैं जूके आपका बुक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो बुक आप देखते हैं जनरल नॉलेज 2019 महाराणा पांडे का, और भी आप डेट में अगर जीके में जाना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। ये यहाँ पर 120 rupees दिखा रहे हैं, मगर अमेजोन पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 60 या 50 rupees में आपको ये बुक मिल जाएगा। तो अगर आपको नॉलेज और भी गेन करना है तो ये बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा आपको मतलब जीके में अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते तो वो जो बुक है वो से आपको काम चल जाएगा। बात आता है जो इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं कई कई जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश रहता है, तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ आर्यन का जो एसपी बक्सी का बुक है बहुत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो ये जो बुक है आपको ज़रूर लेना है। तो इस टाइप का जो किताब है आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, आप तो ऑनलाइन में स्टडी करते हैं तो ठीक ही है, मगर जो जनरल इंग्लिश का जैसे बुक हो गया, जो आपका हैंडबुक हो गया, तो वो सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर उसको रख के आप अगर प्रिपरेशन लेते हैं तो विद इन 1 year में आप अगर अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेते हैं तो अब अच्छी तरह से प्रिपरेशन लेने के बाद आप हर एक एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जनरल इंग्लिश का बुक। तो नेक्स्ट जो आपका जो इम्पोर्टेंट है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है जो आर एस अग्रवाल की तरफ से आता है, ठीक है, वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब जो बुक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूँ, वो आप क्लिक करके वो डायरेक्ट आप जा सकते हैं और आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस दौरान तो ये सब बुक आप बाय ज़रूर कीजिए, आपके पास ये रहना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये बुक अगर आपके पास होता है, आप अगर प्रिपरेशन अच्छी तरह से लेते हैं तो हर एक एग्ज़ाम आप क्रैक ज़रूर कर सकते हैं।